हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर काफी बेहतरीन नजर आता है, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, जो कि मार्केट लीडर में, अगर बात करो अपने प्रोडक्ट्स में, मार्केट लीडर है। उसके प्रोडक्ट्स आपके शायद घरों में भी होंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए। और ये पोर्टफोलियो मैंने अपने फ्राइडे को अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, तो इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी आज एक वीडियो आ चुकी है 40 रुपीज का, पेनी स्टॉक, आईटी स्टॉक, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ लेने की। बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा। और हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, और हम यहाँ पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है, अच्छे स्टॉक कैसे परचेज करते हैं वो जानना है, तो आप हमें फॉलो भी करिए एज वेल एज फाइनेंशियल सर्विस भी ले सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं क्या है। बट उससे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिए, शेयर करिए चीजों को। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, उसका नाम है यहाँ पर विम्प्लास्ट। विम्प्लास्ट कौन सी कंपनी है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स आपने यूज किए होंगे। यहाँ पर आपके घर में चेयर होगी, मोस्टली आपने चेयर देखी होगी, तो यहाँ पर इस कंपनी के नाम की देखी होगी, सेलो के नाम की, या फिर सेलो के फर्नीचर आपने देखे होंगे, सेलो के यहाँ पर पैलेट्स देखे होंगे, प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर देखिए। ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम बातें कर रहे हैं, ओके, जब हम बातें कर रहे हैं हर चीज की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये भी एक पार्ट है। और बिना कुर्सी, बिना मेज के, ओके, यहाँ पर जब बाइंग हो रही है घरों की, हाउसिंग, हाउस की बाइंग हो रही है, तो ये पूरा का पूरा ये सेट लिया जाता है। ओके, जब बात की जाती है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम की, एज वेल एज बात की जाती है इवेंट्स की, तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर चेयर ली जाती है। यहाँ पर देखिए ये स्टूल्स हो गए घर पे बैठने के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गए, बच्चों के यहाँ पर पूरा वार्डरोब, एज वेल एज यहाँ पर चेयर एंड टेबल, यहाँ पर बड़ों के लिए, यहाँ पर अगर बात करें वार्डरोब, यहाँ पर कंपनी बनाती हुई नजर आती है। इस तरीके के ये हॉरेका कलेक्शन के पास है, इन्फिनेट कलेक्शन, स्टोरेज कलेक्शन, कैफेटेरिया कलेक्शन, जैसे जैसे अब होटल्स वगैरह और ओपन होंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये सब चीजें दोबारा यूज होती हुई नजर आएगी। तो इनके प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनी काफी बेहतरीन प्रोडक्ट्स है। न्यू प्रोडक्ट्स अराइवल्स की बात करें तो इनका ये ग्रीन डस्टबिन आता हुआ नजर आ रहा है, प्लाजो, यहाँ पर हस्की टूल्स ये बनाते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर ऑसम राइटिंग टेबल्स ये बनाते हुए नजर आएंगे, ये स्कॉलर प्राइम टेबल, ये मैग्नेटिक टेबल, इस तरीके की अलग अलग डिजाइन की अलग अलग बेहतरीन यहाँ पर ये सब चीज बनाते हुए, डस्टबिन बनाते हुए, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आएंगे। ये क्रेट्स वगैरह जो यहाँ पर यूज होती है, फ्रूट क्रेट्स एज वेल एज वेजिटेबल क्रेट्स, यहाँ पर बास्केट, क्या यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाता हुआ नजर आता है। और भारत की जनसंख्या इतनी है, ओके, भारत में काम करने वाले लोग इतने हैं, जो वेंडर्स हो गए एज वेल एज यहाँ पर जो बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करते हैं, जो बड़े बिजनेस करते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते ही है, चाहे घरों में यूज हो, चाहे यहाँ पर बाहर यूज होता हो, हर जगह ये प्रोडक्ट्स यूज होती है। एज वेल एज यहाँ पर बेस्ट सेलर की बात करें तो देखिए ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। सेलो फर्नीचर के नाम से ये कंपनी जानी जाती है। एज वेल एज अगर बात करें तो यहाँ पर ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की रेंज एक बार जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगी किस तरीके से ये प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाते हैं। तो सेलो फर्नीचर के नाम से इनके प्रोडक्ट्स आते हुए दिखाई देते हैं, तो एक बार इनकी वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कर लीजिएगा तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कंपनी क्या क्या यहाँ पर किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है। अब कुछ बात कर लेते हैं और चीजों की, तो यहाँ पर देखिए ये कंपनी का नाम क्या है, विम्प्लास्ट इस कंपनी का नाम है। विम्प्लास्ट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, मतलब प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ग्लास वेयर, ओपल एज ओपल वेयर, मेलामाइन, किचन अप्लायंसेस मॉड्यूल्स से रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए नजर आते हैं। ओके, एज वेल एज यहाँ पर और भी देख सकते हैं, इनका जो वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सैरो ब्रांड के नाम से यहाँ पर बेचा जाता है। रॉयल्टी पेमेंट की बात करें टू प्रोमोटर्स, तो यहाँ पर इज पेइंग टू रॉयल्टी 3.43 करोड़ टू द प्रोमोटर रिलेटेड इन एंटिटी फॉर द यूसेज ऑफ ब्रांड नेम सैरो, मतलब सैरो से उन्होंने कुछ नेम लिया होगा, ये प्रोडक्ट्स दिया जाएगा होगा, तो उसके रॉयल्टी उनके पास जाती होगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी यहाँ पर चेन्नई में है, साउथ में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर नॉर्थ में कलकत्ता, यहाँ पर इन्होंने ईस्ट कर रखा है। यहाँ पर ये लोकेशन आर सच दैट कंपनीज है एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, शिफ्टिंग शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स बबल गार्ड शीट्स,
मतलब यहाँ पर ये डाइवर्सिफाइड फ्रॉम प्लास्टिक मॉड्यूल फर्नीचर टू डबल सॉरी बबल गार्ड शीट्स बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वूज अप्लायंसेज आर इन द फॉल्स सीलिंग जो आप ऊपर देखते ही है, वॉल पैनल एज वेल एज डोर पैनल, ये इनमें भी ये काम करते हुए शायद आपको आगे यहाँ पर ये नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अगर बात करें, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता हुआ नजर आएगा तो शायद इनके प्रोडक्ट जो ये सेलेब नाम से ब्रांड भी है, तो ये अच्छे खासे सेल आउट होते हुए नजर आ सकते हैं। फोकस ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इंक्रीज फ्रॉम 11-17% इन लास्ट 5 ईयर्स, मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड दिस रीच टू 33% इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के अंदर अंदर 33% तक यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स को बाहर तक ले जाते हुए दिखाई देंगे। और जब ये रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली बात है डबल रेवेन्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पर डबल रेवेन्यू होगी तो ऑब्वियसली बात है ये इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और स्वच्छ भारत अभियान में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि डस्टबिन यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है, मेड इन इंडिया होता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल प्लास्टो प्रोडक्ट्स टू मैन्युफैक्चर सेलो ब्रांड्स मॉड्यूल फर्नीचर, यहाँ पर इनसे के साथ टाई अप भी है। वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें 14,000 यहाँ पर टच पॉइंट्स हैं इन 8 स्टेट्स में ये कंपनी, एंड एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहाँ पर और भी यहाँ पर एक्सपेंड यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्वाइंट प्रमोटर्स की बात करें सेलो के इनके प्रोडक्ट्स प्रमोटर्स जिनके 10% स्टेक्स है, और एम जी शाह इनके 59.91% के स्टेक्स यहाँ पर रखते हुए नजर आते हैं। डेट फ्री शेयर है यहाँ पर, देखिए कोई भी डेट नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है। 11.8% का यहाँ पर ROCROE है, 15 का PE है, ज्यादा महंगा भी शेयर नहीं है। और मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है 611 करोड़ रुपए की है, तो या थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है, यही रिस्क इन्वॉल्व होता है कि शेयर जब भागता है तो तेज भागता है, गिरता है तो उसी तरीके से गिरता हुआ भी नजर आता है। बट कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म करेगी तो फिर गिरने की फिर यही 601 करोड़ की कंपनी यहाँ पर 610 पीछे कब लग जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगी। यहाँ पर अगर बात करें 10 की फेस वैल्यू है, स्प्लिट भी आपको मिल सकता है फ्यूचर में, 723 रुपए पे शेयर जाके आया और अभी 500 रुपए मतलब 223 रुपए यहाँ पर नीचे गिर चुका है, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर नजर आती है। ओके, जब यहाँ पर चीजें गिरती हुई नजर आती है तब यहाँ पर अच्छा खासा शेयर लेने का मन करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनके नंबर देखे जाते हैं। फिर अगर बात करें हाईएस्ट तो देखिए 1500-1600 रुपए का 2017 में शेयर चल रहा था, उसके बाद गिरावट है और शेयर दोबारा यहाँ पर शायद आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कंपनी से रिलेटेड तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पर इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे, जो सेल्स है क्वार्टरली बेसिस पे की बात करें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, एनुअली बेसिस की बात करें वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 7 करोड़ से 10 करोड़ प्रॉफिट, 3 करोड़ से 10 करोड़ ईयरली क्वार्टरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा कंसोलिडेट, और यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर की बात करें वो भी यहाँ पर देखिए ईयरली और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 7 करोड़ से 10 करोड़, 3 से 10 करोड़, तो यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेट एज वेल एज स्टैंड अलोन जो नंबर है वो काफी बेहतरीन आते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी जैसी ओपन अप होती हुई नजर आ रही है तो शेयर अब और भागता हुआ हमें शायद नजर आ सकता है। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर देखिए, कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, ये पीरियड्स के लिए थोड़ा सा बेकार रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आप समझ सकते हैं पैंडमिक की वजह से, बट कंपनी दोबारा यहाँ पर अपने आप को प्रूव करती हुई नजर आएगी और अच्छे हाईएस्ट एवर ने यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई देंगे। ये तो था स्टैंड अलोन, कंसोलिडेट की बात करें तो कंसोलिडेट कंपनी के नंबर अच्छी उसी रेंज में जिस तरीके से स्टैंड अलोन थे, तो धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी ओपन अप हो रही है तो यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर इनके प्रॉफिट में एड होता हुआ नजर आएगी। रिजर्व्स की बात करें कंपनी के रिजर्व्स यहां पर देखिए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 250 करोड़ से यहां पर 378 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया, और कंपनी डेट फ्री है। डेट फ्री होने का मतलब क्या है, डेट फ्री होने का मतलब है कि कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, और जब कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना तो सीधा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट अपने पास ही आता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और पैरामीटर, इन्वेस्टमेंट 133 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कैश की बात करें कंपनी के पास 6 करोड़ रुपए का कैश है, जो भी पैसा आता है बुक में दिखाई देता है, हमेशा पॉजिटिव रहा है। ROCROE अच्छी खासी रही है, 24-19 पे चल रही थी, पैंडमिक की वजह से नीचे आई, अब दोबारा वो ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 69.91% की होल्डिंग है, जो कि हम देखिए सेलो के यहाँ पर प्रमोटर्स है जो कि 10% की हिस्सेदारी, बाकी यहाँ पर 59% की हिस्सेदारी और दूसरे लोगों ने यहाँ पर ले रखी है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एज इट इज बनी हुई है, FIs यहाँ पर है नहीं। DIs की बात करें DIs के पास हिस्सेदारी कम होती है नजर आ रही है लास्ट क्वार्टर में 6.44 से 4.63, और पब्लिक की बात करें 25% होल्डिंग है, अच्छी खासी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो पीरियड था ओके, यहाँ पर जब DIs ने यहाँ पर शेयर बेचे
ओके, तो यहाँ पर 700 रुपये, 723 से शेयर यहाँ पर 500 पे आता हुआ दिखाई दिया। अब उसमें गिरावट होने के चांसेस कम है, अब चीजें भागती हुई नजर आ सकती है क्योंकि इसके रिजल्ट एनुअली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासे आए हैं। यहाँ पर बात करें 25 में से, अगर बात करें यहाँ पर 3% या 4 की हिस्सेदारी निकाल देते हैं तो लगभग 22% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक एज वेल एज ऑपरेटर सबके पास नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पर विमप्लास यहाँ पर बीएससी पे ही आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, मींस यहाँ पर बीएससी और एनएससी दोनों पे ही है। ओके, बीएससी एनएससी पे यहाँ पर दोनों पे यहाँ पर नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं विमप्लास्ट की, तो विमप्लास्ट यहाँ पर देखिए शेयर, ओके थोड़ा सा यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, 1670 रुपये है। ओके, 1670 मतलब अगस्त की बात करें तो 2017 में इनकी सेल्स क्या चल रही थी एक बार और देख लेते हैं। तो 2017 में यहाँ पर 352 करोड़ की सेल्स थी इनकी, ओके, और 49 करोड़ का प्रॉफिट था। उधर से प्रॉफिट नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर इनका जो चार्ट पैटर्न है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। चीजें अगर यहाँ पर दोबारा रिवर्स होती है, यहाँ पर प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तो इनका जो ये चार्ट पैटर्न है इसी तरीके से ओके राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर भी निकल सकता है। बट ऑन इट विल बी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन वॉट सीधे रिजल्ट पे। अगर प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, सेल्स अच्छा खासा प्रेजेंट करेगी, तो शेयर फिर दोबारा 1600 रुपये पे कब चले जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगी। बट अभी 1600 की बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे एक छोटे टारगेट की, और वो छोटा टारगेट क्या है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो कंपनी ने यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया है 445 रुपये के आसपास का, 440 रुपये के आसपास का, तो 50 रुपये का डाउनसाइड यहाँ पर थोड़ा सा देख के चलिएगा। कल परसों की डेट में यहाँ पर शेयर लगभग 10% ऊपर तक गया था, उसके बाद यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर रिस्क की बात करें तो थोड़ी सी रिस्क है, बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर 50 और 200 DMA के आसपास ये शेयर चल रहा है। सबसे पहला टारगेट ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम 45% तक जाने की पूरी उम्मीद रखता है। अगर ये एक साल में भी रिटर्न मिल जाते हैं 43%, वन ऑफ द गुड रिटर्न यहाँ पर माने जाते हैं, फिर भी इतनी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 600 रुपये तक के टारगेट की ओके, जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि सूनर और लेटर यहाँ पर 20% तक के रिटर्न में अगले क्वार्टर से पहले यहाँ पर 600 रुपये तक ये शेयर पहुंच जाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स करके यहाँ पर हमेशा चीजों को लेने की कोशिश करिएगा, एक साथ एग्रेसिवली बाइंग मत करिएगा ओके। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट नजर आता है 460 रुपये पे, इसके बाद यही एक सपोर्ट दोबारा नजर आ रहा है ओके 490 रुपये पे, और यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या अगले क्वार्टर में क्या करता, सॉरी अगले ट्रेडिंग सेशन में ये क्या करता है। मंडे को कल के दिन 57 के RSI पे चल रहा है शेयर, यहाँ से कंसोलिडेट करके कभी भी ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए। वीडियो अच्छे लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए। रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं, चीजें अच्छी नजर आ रही है यहाँ से, और जब चीजें अच्छी नजर आती है तो उसे पिक कर लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।